मेरा खान आपका स्वागत करता हूँ सौरभ्य एकेडमी पर। आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है घटान करनी, यानी थोड़े से गहराई के बारे में जानेंगे कि इसको कैसे लगाना है। ठीक, तीन प्लस करनी में पांच। अब देखिए अब कहीं नहीं, हमारा छह भी नहीं है, दो भी नहीं है, पांच भी कुछ नहीं है, तो अब क्या करेंगे? ठीक, अब क्या करेंगे? ठीक, अगर किसी भी वैल्यू में पांच दिया है, दो से गुणा दो से भागा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर दो से गुणा और दो से भाग करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए लसन लेंगे क्या आएगा, दो आएगा। दो चाहे कितना होगा, छह प्लस कितना होगा, दो करने में पांच। अब हमको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जोड़ने पर छह आना चाहिए और गुणा करने पर पांच आना चाहिए। तो चलिए आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो कहेंगे पांच हुआ और एक हुआ। टोपी तो पहना दीजिए। ठीक, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, लेकिन भाई करणी में निचमो दो है तो नीचे भी क्या लिख दीजिए, दो लिख दीजिए। यही आपका क्या है, आंसर है। अभी तो इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, पांच बटे क्या हुआ, दो हो गया, फिर करणी में कितना हुआ, दो, फिर प्लस है प्लस एक बटे करणी में क्या हुआ, दो हुआ। इस प्रकार से अगर विकल्प नहीं दिया तो और एक प्रकार से लिख सकते हैं, करणी में पांच बटे दो प्लस एक ही करणी में एक बटे क्या होगा, दो। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।